सर आज सभापति का चुनाव था जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ जनपद सदस्यों को सूचना नहीं मिली है। स्थायी जनपद के स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु आज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, परंतु कुछ सदस्यों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि उन्हें विधिवत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके तारतम्य में जो पीठासीन अधिकारी में SDM सहायपाली थी उन्होंने आज की बैठक को स्थगित कर दिया है और पुनः यह बैठक 5 दिन पश्चात जो पंचायत राज अधिनियम की धारा के तहत ये 19 तारीख को आहूत की गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया अभी जो है 19 तारीख को संपन्न होगी। तो सर सूचना कैसे नहीं मिली सर, कारण क्या है? सूचना सचिवों के माध्यम से हमने तामील कराया था, कई सदस्यों को अधिकांश सदस्यों को मिल गया था, परंतु 2 सदस्यों द्वारा बताया गया क्योंकि वो ग्राम पंचायत में नहीं थे, उनके घर पे दिया गया था, परंतु उन्होंने आपत्ति करके 2 सदस्यों को नहीं प्राप्त हुआ है। तो पीठासीन अधिकारी महोदय ने बोला कि इसके लिए आज की बैठक स्थगित की गई और अगली बैठक जो है 19 तारीख को होगी। कौन कौन सा क्षेत्र गया सर? ये सूचना नहीं मिली सर। ये क्षेत्र क्रमांक 19 और 21 है। नाम